हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रयानुदत्त, हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन एंड मेडिकल कॉस्मेटोलॉजिस्ट। आज हम एक रिव्यू वीडियो लेकर आए हैं और हमारे साथ हैं मिस्टर पीयूष कुमार, जिनकी बहुत सालों से हेयर फॉल हो रही थी और उन्होंने फाइनली डिसाइड किया कि वो ट्रांसप्लांट कराएंगे। चलिए उनसे जानते हैं कि इससे पहले उन्होंने हेयर से रिलेटेड और भी कोई ट्रीटमेंट किया। हेलो पीयूष, क्या आप हमारे दर्शक को बताएंगे कि मतलब आपका हेयर फॉल कब से हो रहा था? ये करीब 2 साल से हो रहा है मेरे हेयर फॉल। अच्छा, और मैंने तो एक मिंट ऑफ ऑयल आता है वो यूज किया था, लेकिन उसके बाल आते थे फिर झड़ जाते थे, निकल जाते थे। अच्छा, तो फिर मैंने यूट्यूब पे ये देखा ट्रांसप्लांट के लिए, तो फिर ये फाइनली आपने डिसाइड किया कि ट्रांसप्लांट कराना है। अच्छा, तो आप जब हमारे पास आए कंसल्ट किए तो आपको कैसा लगा कि हम लोग से ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं? हाँ हाँ हाँ, और कोई भी मतलब प्रॉब्लम नहीं हुआ ट्रांसप्लांट कराने में। तो मैंने आपकी सर्जरी की, तो बता सकते हैं कि आपकी सर्जरी मतलब आपको कैसा रहा? सर्जरी के वक्त पूरे नॉर्मल? हाँ, पूरे नॉर्मल, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ नहीं, और कोई मतलब कुछ परेशानी नहीं। अच्छा, सर्जरी से आप खुश हैं? हाँ हाँ, ठीक है। तो देखिए, आप जैसे देख सकते हैं पेशेंट की सर्जरी हुई है, उनकी वो कम्प्लीटली कम्फर्टेबल है और उनकी ट्रांसप्लांट हुई थी और वो बहुत ही रिलैक्स है। तो आपके हमारे व्यूअर्स को सजेस्ट करेंगे कि वो यहाँ पे आए और हमारे से ट्रांसप्लांट करें? हाँ जी, हमारे जैसे युवक जितने भी हैं जिसके हेयर फॉल हो रहे हैं वो आकर यहाँ पे करवा सकते हैं हेयर ट्रांसप्लांट। ओके, थैंक यू पीयूष। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि वो आराम से बैठकर उनकी ट्रांसप्लांट उनकी सर्जरी हो चुकी है और वो बहुत ही नॉर्मल है। तो ये हम भी आपको यही कहेंगे, अगर आपसे आपके पास आपके भी हेयर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमारे पास आए कंसल्ट कराएं। Thanks for watching my this video. Please subscribe my channel and press the bell icon so that you will get all notification automatically. Thank you.